नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। मेरे साथ इस समय संवाददाता अशोक तोमर लाइव जुड़े हुए हैं और सीधे नामांकन स्थल से अशोक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति है? और आपको बता दें कि 14 जनवरी से जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभा सीटों के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अशोक बताएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था वहां की हुई है। अशोक, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ये हापुड़ न्यूज में। मैं अशोक तोमर आपके साथ हूँ। जनपद हापुड़ के तहसील सॉरी जनपद हापुड़ के कलेक्ट्रेट में यहाँ पे तीन विधानसभाओं के तीनों नामांकन स्थल अलग अलग बनाए हुए हैं। हापुड़ सदर का नामांकन स्थल अलग बना हुआ है, गढ़मुक्तेश्वर का अलग बना हुआ है और धोलाना विधानसभा का अलग नामांकन स्थल बना हुआ है। अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ सदर सीट से जो है आज आम आदमी पार्टी के बीरपाल एडवोकेट ने एक नामांकन पत्र खरीदा है। इससे ही 13 नामांकन पत्रकारों की खरीदारी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डीएम साहब आए हैं जो जायजा ले रहे हैं नामांकन स्थलों का। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इधर दिखाएं। तो सीधी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि नामांकन स्थल पर किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है। लगातार आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और इस समय सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। अंदर की दुकान है, अंदर तो जैसा कि अशोक ने की जी बिल्कुल, दुकान। अरे तो देखिए आला अधिकारी इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं जो कि लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और इस दौरान सैनिटाइजेशन को लेकर विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और एडीएम मौके पर मौजूद हैं और अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए एसडीएम दिग्विजय सिंह भी इस समय मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ई हापुड़ न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में आला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, अन्य नियमों की लगातार से संबंधित लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप ई हापुड़ न्यूज पर देख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, जिलाधिकारी अनुज सिंह, अपर जिलाधिकारी श्रद्धा, एसडीएम दिग्विजय सिंह, तमाम अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं। और इस कमरे के बाहर की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। हाँ पुलकित जी, मैं तो बताना चाहूंगा जी, आपको कमरा ये नंबर 59 से हाँ अशोक इस समय निकल कर आए हैं और कमरा नंबर 59, 59 में जो है अधिकारी इस समय मौजूद हैं। नामांकन स्थल जो कि हापुड़, जहां पर हापुड़ विधानसभा सीट के लिए नामांकन जो है प्रक्रिया इस समय वहां पर चल रही है। जी अशोक, जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, डीएम साहब और एसपी साहब अंदर जो है नामांकन पत्रों की जो है जांच कर रहे हैं और बाहर पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में जो है सुरक्षित तैनात लगा हुआ है लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से। जी तो देखिए पुलिस अमला इस समय मौजूद है भारी संख्या में। सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन ने की हुई हैं मुस्तैदी के साथ यहाँ पर। और देखिए जो अधिकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एडीएम, डीएम, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, तमाम अधिकारी इस समय जो है नामांकन स्थल पर पहुंचे हुए हैं जो कि व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अभी कमरा नंबर 59 में सभी अधिकारी मौजूद थे। और अब आगे की ओर बढ़ते हुए, और इस दौरान कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। और उससे संबंधित देखिए दिशा निर्देश भी बाहर, कोविड हेल्प डेस्क भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। कमरा नंबर 60 जो है कलेक्ट्रेट परिसर में, उसमें गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में बाहर आप देखिए तो यहाँ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे संवाददाता अशोक तोमर और सहयोगी अमित कुमार
ग्राउंड से पल पल की अपडेट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति इस समय कलेक्ट्रेट में है, तो पल पल की अपडेट आप सभी के सामने है। तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको अगर बता दें, जैसे कि अशोक ने अपडेट दी है कि अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, वहीं आपको बता दें कि अब जो अगर आपको बता दें कि शनिवार को हापुड़ विधानसभा के लिए एक भी पत्र नहीं बिका, और शनिवार के दिन धुलाना के लिए 9 नामांकन पत्र बिके, जबकि गढ़ मुक्तेश्वर के लिए 5 नामांकन पत्र उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए। वहीं उससे पहले की बात करें, शुक्रवार की बात करें, तो हापुड़ विधानसभा से 12, धुलाना सीट के लिए 5 और गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा सीट के लिए 5 पत्र उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए। तो ये आंकड़ा हमने आपको बताया। और आपको बता दें कि जनपद हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होंगे, और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हुई। और तस्वीरें आपके सामने हैं नामांकन स्थल की। हालांकि अशोक ने अपडेट दी है कि अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है, और अधिकारी मौके पर पहुंचकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, जिलाधिकारी अनुज सिंह, अपर जिलाधिकारी श्रद्धा, एसडीएम दिग्विजय, तमाम अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं, और तमाम नियम बनाए गए हैं। नामांकन स्थल पर अगर कोई प्रत्याशी पहुंचता है तो प्रत्याशी को उन नियमों का पालन करना होगा, वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा, और कोरोना और अन्य नियमों का पालन करना आवश्यक है। और आपको बता दें कि नामांकन स्थल से कुछ मीटर की दूरी पर ही गाड़ी रोक दी जाएगी। तो इसी तरह के और भी तमाम नियम हैं, और हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में इस समय कि तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और देखिए कमरा नंबर 60 से अधिकारी अब बाहर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 59 का निरीक्षण किया था, अब 60 का निरीक्षण किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डीएम साहब की बैठ करेंगे। अमित इधर आए, मैं अमित। जी, तो जिलाधिकारी अनुज सिंह कुछ कह रहे हैं, और चलिए लाइव सुना दें आपको। के इलेक्शन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से तैयारी कर रहा है, साथ में जो ऑनलाइन प्रक्रिया नामांकन को लेकर शुरू की है, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या रेस्पॉन्स आया है? देखिए, ऑनलाइन जो अभी इस बार नामांकन की व्यवस्था की गई है कोविड के दृष्टिगत, उसको हमने आप लोगों के भी माध्यम से और सभी पार्टीज को लिखित माध्यम से भी हम लोगों ने सूचित किया है। अभी तक ऑनलाइन हमें कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी अभी नामांकन पत्र को दिया गया है, वो सबके सब ऑफलाइन के मोड से ही हुए हैं। सबने आके अपने संबंधित आरओ से प्राप्त किया है। लगभग 15 से 17 के आसपास नामांकन प्रति विधानसभा अब तक लेके गए हैं। नामांकन अभी तक किसी प्रकार का नहीं हुआ है। जो कोविड गाइडलाइन को लेकर शक्ति प्रदर्शन पर रोक है शासन की तरफ से, उसके बारे में कोई खबर आई है, कुछ जी जी नेगेटिव फीडबैक आया है क्या? नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई है। ये हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था है। जो गाड़ियों का नियम है कि एक प्रत्याशी के साथ मैक्सिमम 2 गाड़ियां आ सकती हैं, उसका हम लोग बिल्कुल सख्ती से अनुपालन हम और जो पुलिस है वो करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो कक्ष में भी जो घुसने का जो नियम बनाया हुआ है कि प्रत्येक प्रत्याशी के साथ एक बार में 2 व्यक्ति घुस सकते हैं, उसी के हिसाब से ही कक्ष में भी दाखिल किया जाएगा। नामांकन पत्र में जो खामियां रह जाती हैं, उसको लेकर कितना टाइम एक्स्ट्रा कुछ एक्सटेंडेड करने का मूड? देखिए, इसमें इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के फॉर्म 26 जो उसका एफिडेविट होता है, अगर उसमें कोई गलती हो गई, तो उस केस में जो स्क्रूटनी का दिनांक होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 24 तारीख को स्क्रूटनी है, तो स्क्रूटनी जब शुरू होता है उसके पहले तक उनको दे देना होता है। शेष अगर उन्होंने कोई प्रपत्र अगर बिल्कुल भी अगर जमा नहीं किया है, तो उसको उन्हें अंतिम दिन जो नामांकन का होता है उस दिन तक उनको उसको जमा कर देना होता है। जो भी खामियां रह जाएगी नॉमिनेशन पेपर में, उसको आरओ उसी समय एक चेकलिस्ट बना के उनको दे देंगे। जी पुलकित जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी डीएम साहब से अभी रूबरू हुए थे हम। जी डीएम साहब ने अपने तीनों नामांकन स्थलों की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपने सुना भी होगा, देखा होगा, अभी डीएम साहब और एसपी साहब जो है यहाँ पर
आपस में वार्तालाप कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और क्या क्या है नियम कायदे कानून हो, ये आपस में डिस्कस चल रहा है दोनों का। बिल्कुल। और इसके साथ ही जिलाधिकारी अनुसी ने एक अपडेट और दी, उस अपडेट के अनुसार कि ऑनलाइन अभी तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि और इस दौरान कोरोना नियमों को लेकर बहुत ही सख्त दिखाई दिए जिलाधिकारी अनुज सिंह, और अन्य नियमों को लेकर भी उन्होंने सख्ती बरतने के निर्देश दिए। और जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक दीपक भुक्कर और तमाम अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं, जो कि आगे की ओर बढ़ रहे निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार निरीक्षण का दौर जारी है। कमिश्नर मेरठ मंडल की बात करें तो कुछ दिन पहले उन्होंने भी नामांकन स्थल का दौरा किया था, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, और लगातार निरीक्षण का दौर जारी है। और आप देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन में, लैपटॉप स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। और ये नामांकन स्थल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। और जिलाधिकारी अनुसार ने एक बात और स्पष्ट की, और जिलाधिकारी के अनुसार किसी भी सूरत में नियमों का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। तो तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगातार अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दीपक भुकर समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक तोमर और अमित कुमार पल पल की अपडेट आप तक ग्राउंड से इस समय पहुंचा रहे हैं। नामांकन स्थल की कुछ तस्वीरें हमारे साथ, कुछ दर्शक भी इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। शशांक अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, अंशुल बैंसला दयानगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, कमरान हसन भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि अशोक के एफर्ट्स को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी अशोक, दस फरवरी को चुनाव होंगे। अशोक, मैं रोकना चाहूंगा आपको, इंटरनेट में टेक्निकल इशू की वजह से आपकी जो वीडियो है वहां से मौके से इस समय थोड़ी प्रभावित है। थोड़ा सा आप आगे पीछे होकर अगर बताएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि ताजी अपडेट उन तक पहुंचे, सही जानकारी, सटीक जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंच पाए, तो थोड़ा सा आप अगर आगे पीछे हो वहां से मौके पर जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आपकी आवाज और आपकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उससे हमारे दर्शक वंचित हैं। और इंटरनेट कनेक्शन टूट चुका है अशोक, इंटरनेट कनेक्शन फिलहाल टूट चुका है, आपसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट में, क्योंकि थोड़ा मौसम बेहद खराब है। जी अशोक, अब आप जुड़ चुके हैं, बताइए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ सदर सीट से जो आज तक 13 नामांकन पत्रों की खरीदारी हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी के हैं जो प्रत्याशी हैं, बीरपाल एडवोकेट, उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है। और गढ़ विधानसभा क्षेत्र से 14 नामांकन अब तक खरीदा हो चुके हैं। अब मदन चौहान का बेटा है जो उज्जवल, नामांकन पत्र खरीदने आए हैं। जी, तो भाजपा के धोलाना से प्रत्याशी धर्मेश तोमर ने नामांकन पत्र खरीदा। इसके साथ ही और भी कई प्रत्याशी जो इस दौड़ में हैं, वो सभी आज पहुंचे हैं नामांकन स्थल पर टिकट खरीदने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि धर्मेश तोमर ने नामांकन पत्र खरीदा, जो कि धोलाना से भाजपा के प्रत्याशी हैं। ये अपडेट हमारे संवाददाता अशोक तोमर ने हम तक पहुंचाई है, जिनके साथ उनके सहयोगी अमित कुमार समय मौजूद हैं। और अशोक तोमर लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते हुए हमारे साथ एक और दर्शक इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, शहजादा राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, अगर थोड़ा सा उसके बारे में आप बता पाए हमारे तमाम दर्शकों को? सुरक्षा व्यवस्था को देखो, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, देखो यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई हुई है, जो तीनों विधानसभाओं के जो नामांकन स्थल बनाए हैं उनके उनकी चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगाई है, और वहां पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है, आप देख सकते हैं वो तस्वीरों के माध्यम से। अशोक, गणित क्या कुछ कहता है, क्योंकि धोलाने की बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत ही टफ सीट है, और ऐसे में
दूसरी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए धर्मेश तोमर पर, पूर्व विधायक धर्मेश तोमर पर भाजपा ने दाव खेला है और गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी रही है धोलाना सीट पर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि धोलाना विधानसभा सीट वास्तव में ही एक जीतना भाजपा के लिए टफ है, क्योंकि पूर्व में जो है धर्मेश तोमर जो विधायक रहे थे ये समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे और उसके बाद में जो चुनाव हुआ था वहां पे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी जो है वो जीत कर उन्होंने दर्ज की थी और इस बार भाजपा ने धर्मेश तोमर पर जो है कार्ड खेला है। और मेरा मानना है ऐसा है कि सपा से भी एक मोमडन प्रत्याशी उन्होंने उतारा है और बहुजन समाज पार्टी से भी मोमडन प्रत्याशी उतारा है, तो इसमें देखना होगा 10 फरवरी को जब वोट पड़ेंगे किसके पल्ले में पल्ला भारी होगा। बिल्कुल, क्योंकि सामने उनके मौजूदा विधायक असलम चौधरी हैं और मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा। अशोक, अगर हापुड़ विधानसभा की बात करें तो भाजपा ने एक बार फिर से यहाँ पर विधायक मौजूदा विधायक विजयपाल आरती को मौका दिया है और उनके सामने हाल ही में कांग्रेस से छोड़कर रालोद का दामन थामने वाले गठबंधन की ओर से गजराज सिंह हैं जिनका मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। वहीं बसपा की ओर से मनीष जो है मैदान में है। अशोक, हापुड़ विधानसभा पर क्या कुछ कहेंगे, कितना टफ मुकाबला है यहाँ पे विजयपाल आरती के लिए? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा हापुड़ सदर विधानसभा सीट से विजयपाल पर बीजेपी ने दोबारा कार्ड खेला है। देखिए बीजेपी ने इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास कार्य तो कराए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, चाहे वो सड़क निर्माण का हो, चाहे अस्पतालों का निर्माण का हो। और मैं गजराज सिंह के जैसे इन्होंने कांग्रेस छोड़कर जो गठबंधन ज्वाइन किया है तो मैं मानता हूँ कि अब तीनों में मुकाबला होगा, बहुजन समाज पार्टी के मनीष और मोनू में, गजराज सिंह में और विजयपाल जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, इन तीनों में इन कांटे की टक्कर रहने का अंदेशा है। बिल्कुल, देखिए विजयपाल आरती को जिस तरह से दाव खेला है भाजपा ने तो ये कहा जाता है कि उनकी किसानों में अच्छी उठ बैठ है, अच्छी पकड़ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रालोद की बात करें उसने भी जो है किसानों से सीधे संपर्क साधा हुआ है और लगातार जो है संपर्क बनाए हुए है। तो ऐसे में गजराज सिंह एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता माने जाते हैं हापुड़ के, तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अशोक, अगर गढ़ की बात करें तो जिस तरह से मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया और हरिंदर को टिकट दिया गया है और गढ़ में आवाज चौधरी वो कांग्रेस की उम्मीदवार है, गढ़ में कितना टफ मुकाबला आप देख रहे हैं और कमल मलिक का टिकट कटने का कारण क्या मान रहे हैं? देखिए कमल मलिक का जो टिकट कटा है वो ग्रामीण क्षेत्र के तबके में इनका विरोध हो रहा था, आए दिन मीडिया में भी सुर्खियों में रहे थे कि विधायक जी हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे किसी काम नहीं आते हैं। और मेरा मानना है जैसे कि ये चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे उनकी जन्म स्थली से जो प्रत्याशी बनाया भाजपा ने, जो 2-3-4 बार के जो प्रमुख भी रह चुके हैं, तो मेरा मानना ये है कि वहां भाजपा में और समाजवादी पार्टी में जो कांटे की टक्कर रहने का अंदेशा। बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा और टफ मुकाबला है, चैलेंज है काफी सभी पार्टियों के लिए। एक तरफ योगी सरकार मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी भी कहीं ना कहीं हावी हो सकती है और ऐसा देखा भी गया है। और जनपद हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होंगे, नामांकन प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अशोक हमारे साथ अब मौजूद हैं। अशोक, एक बार फिर से आप अगर बताएं कि कितने नामांकन पत्र बिके हैं और क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड से। तो अशोक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आप तक अपडेट जो है वो पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, कितने नामांकन पत्र बिके हैं। जी अशोक, पुलकी जी बताना चाहूंगा हापुड़ सदर विधानसभा सीट से अब तक 13 नामांकन पत्रों की खरीदारी हुई है, जिसमें आज आम आदमी पार्टी के हैं प्रत्याशी बीरपाल एडवोकेट ने नामांकन पत्र खरीदा है। और बात करें गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा सीट की तो अब तक 14 नामांकन पत्रों की खरीदारी हुई है। और धोलाना विधानसभा सीट से 19, सबसे अधिक धोलाना विधानसभा सीट से प्रत्याशियों ने 19 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। और इसमें आज जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मेश तोमर पूर्व विधायक रहे हैं, इन्होंने भी आज नामांकन पत्र की खरीदारी की है। जी तो धन्यवाद अशोक अपडेट देने के लिए। और यूसुफ खान हैं आपके सपोर्टर हैं जो लगातार आपके रिपोर्टिंग को सराह रहे हैं, लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं,
और कमरान हसन भी हैं अशोक, जो लगातार आपके एफर्ट्स को देखकर आपकी लगातार तारीफ कर रहे हैं, और हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े, चंद्रमोहन पांडे भी हमारे साथ बने रहे। अशोक कुछ कहना चाहेंगे स्थिति को सर, लेकर, चुनाव को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों को तो बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जी, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी सर, अशोक जी, धन्यवाद अशोक, आप बड़े ग्राउंड से और आपने पल पल की अपडेट दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक तोमर, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक तोमर ग्राउंड से जुड़े, उनके सहयोगी अमित कुमार के साथ, और पल पल की अपडेट दी। और जिलाधिकारी ने भी इस दौरान बताया ई हापुड़ से बातचीत करते हुए कि किस तरह से तैयारी है प्रशासन की, और ऑनलाइन नामांकन अभी तक एक भी ऑनलाइन नामांकन नहीं आया है, और फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ई हापुड़।